कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा, जो राहुल गांधी है, उन्होंने 5 गारंटियों का ऐलान किए जाने के बाद उसकी खूब चर्चा हो रही है। वो गारंटियां क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस की दूसरी और तीसरी गारंटी युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने, स्टाइपेंड देने की है। युवाओं को सरकार की ओर से प्रशिक्षण और 1-1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। चौथी गारंटी पेपर लीक नहीं होना सुनिश्चित करना है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त 2 दल लड़ रहे हैं। जी हां, एक है 38 दलों का गठबंधन जिसका नाम है NDA, और दूसरा जो अभी कुछ महीनों पहले ही बना है जिसमें करीब 26 दल हैं। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है। NDA वर्सेस ND चल रहा है, जहां एक तरफ BJP ये कह रही है कि वो 10 साल के काम के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं ND गठबंधन का कहना है कि BJP 10 सालों में देश को गुमराह करने का काम करती हुई नजर आई है। 2014 में सत्ता में आने से पहले जो वादे और दावे प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे वो धरातल पर दिखाई ही नहीं देते। जहां BJP अपने हर काम को सही और सटीक बता रही है, और तो और देखा जाए तो जनता का भी काफी प्यार NDA को मिला है इन 10 सालों में। केंद्र के हर फैसले को लेकर विपक्ष केंद्र के हर कदम को गलत बता रहा है और कह रहा है कि ये सब जनता के हित में है ही नहीं। तो चलिए आज भारत एट 9 में जानते हैं कि आखिर BJP के तोड़ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के गारंटी के आगे कौन सी गारंटी रख दी है जिससे कि देश उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखे, जिससे जनता राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को वोट में बदल दे, उस भीड़ को जो इसमें शामिल हुई। राहुल ने मोदी के गारंटी को चैलेंज किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार LPG सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने, दाम कम करने जैसे फैसले ले रही है, तो वही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नई गारंटियां लेकर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा, जो राहुल गांधी है, उन्होंने 5 गारंटियों का ऐलान किए जाने के बाद उसकी खूब चर्चा हो रही है। वो गारंटियां क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। युवाओं को नौकरी, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी देना, बेरोजगारी को खत्म करना, ये है राहुल की पहली गारंटी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा में अपनी 5 गारंटियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वो सबसे पहले इन 5 गारंटियों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी की पहली गारंटी नौकरी की है। वो कहते हैं कि देश में 25 साल से कम उम्र वाले हर ग्रेजुएट को उनकी पहली नौकरी गारंटी के तौर पर मिलेगी। कांग्रेस की दूसरी और तीसरी गारंटी युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने, स्टाइपेंड देने की है। युवाओं को सरकार की ओर से प्रशिक्षण और 1-1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। चौथी गारंटी पेपर लीक नहीं होना सुनिश्चित करना है। इस मुद्दे को लेकर भरपूर राहुल गांधी ने BJP पर निशाना साधा था कि 10 सालों में पेपर लीक ही होते जा रहे हैं। स्टार्टअप और फंड को लेकर है 5वीं गारंटी। इसके तहत गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। इस पे पक्की मुहर लगेगी कांग्रेस के बकायदा। देखिए, ऐसा पहली बार तो नहीं है कि कांग्रेस कुछ ऐसा प्रयोग कर रही हो। 2019 में भी कुछ ऐसी गारंटियां दी थी, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया। अब देखना है कि जनता क्या मोदी की गारंटी के आगे राहुल गांधी की गारंटी को देखना भी पसंद करेगी, राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने की कोशिश करेगी, या फिर वो पहले वाली गारंटी से खुश है। देखिए, कांग्रेस ने पहली बार इस तरह की गारंटी का ऐलान नहीं किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों के चुनावों में भी गारंटियों के रूप में चुनावी वादों को आजमा चुकी है। इस मामले में कर्नाटक का उदाहरण खास हो जाता है, क्योंकि वहां गारंटियों के वादे के बाद कांग्रेस को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी। चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने गारंटियों के ऊपर अमल भी किया। गारंटी वाली योजनाओं के आर्थिक फायदे क्या हैं और इसके फंडे क्या हैं, आसान भाषा में कह सकते हैं, कर्नाटक सरकार की ही मिड ईयर रिव्यू की माने तो गारंटियों के रूप में किए जा रहे उपाय शॉर्ट रन में अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह के उपायों से उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का कारगर उपाय साबित होता है। केंद्र स्तर पर पहले भी ऐसा प्रयोग हो चुका है, चाहे कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू की गई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो या भाजपा सरकार के द्वारा दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि हो। ये उपाय जमीनी स्तर तक सीधी मदद पहुंचाकर उपभोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। गारंटियों से नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदे तो हर कोई गिनाता है, नुकसान क्या है, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इस तरह के उपायों को लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बताते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है, जो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसा पैसे आएगा, कैसा लाभ मिलेगा, आगे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि योजनाओं को फ्रीबीज बताते हैं, जिसके लिए पीएम मोदी मुफ्त की रेवड़ियां टर्म यूज कर रहे हैं। ऐसी योजनाओं को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दुधारी तलवार माना जाता है, खासकर भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो अभी लोअर इनकम कैटेगरी से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। इन योजनाओं के दूरगामी असर नकारात्मक हो सकते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि इस तरह की योजनाओं से आम लोगों में सरकार के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। नीति आयोग इस बात से सहमत दिखता है और कहता है कि योजनाएं उद्यमिता की धारणा कमजोर करती है, जो लॉन्ग रन में काफी तकलीफ देने वाला साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हमें ये वाली गारंटी मिल रही है, हमें वाली गारंटी मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप समझिए कि इससे देश को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये तो बात हो गई राहुल गांधी की गारंटियों की, नुकसान क्या हो सकता है वो भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन एक से भले दो कहते हैं ना। अब राहुल गांधी अकेले नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी गारंटियों की भरमार है। दिल्ली में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि सिर्फ वही है जो बीजेपी की टक्कर ले सकती है और बीजेपी को टक्कर दे सकती है, उसने भी चुनावी हुंकार भर दी है। हालांकि अभी कांग्रेस और आम आदमी साथ साथ है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में है। फुल प्रूफ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन केंद्र में यानी कि सांसद आम आदमी पार्टी का एक भी नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनी है अभी, तो साफ की बात है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के सभी 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में खुद को दिल्ली का बेटा बता दिया और अकेले लड़ाई में जनता को साथ देने की अपील कर दी। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों को भी संदेश दिया है। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, पानी के बिल, सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसी योजनाओं में केंद्र और उपराज्यपाल पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगा दिया। वही बात है, फिर से योजनाओं का जिक्र। शुरुआत हमने योजनाओं से की है, गारंटी से, और फिर हम उसी पर आ गए हैं, क्योंकि यही हो रहा है। बीजेपी देगी आपको 5 लाख रुपए, तो अरविंद केजरीवाल कहते कि हम आपको 10 देंगे राज्य सरकार की तरफ से। अब अरविंद केजरीवाल कहते कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम आपको रोजगार की गारंटी देते हैं। 10 लाख रुपए नहीं देंगे लेकिन रोजगार की गारंटी देते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा। 10 लाख रुपए आप सरकार है फिर चले गए कहां मिलेगा, ये हो रहा है इस वक्त। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से 7 सीटों पर सांसद बीजेपी के नहीं होते, अगर ऐसा ही होता तो, क्योंकि अपने 3 बार एक मामूली आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब इमोशनल कार्ड खेला गया है। इसलिए बीजेपी और एलजी बदला निकाल रहे हैं। याद करो, जब 6 साल पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था तब एमसी ने बुलडोजर भेजकर एक क्लिनिक तोड़ दिए, जब मैं जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा था तब एलजी ने फाइल ही रोक दी, हमने एलजी के कमरे में 10 दिन तक धरना दिया तब फाइल को मंजूरी दी, मोहल्ला क्लिनिक की दवाएं और बिजली रोक दी है, बीजेपी को दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है, सवाल बार बार वही सवाल। इन्होंने योगा क्लासेस बंद कर दी, फरिश्ते योजना में घायलों को बड़े प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवाते थे, एलजी ने इस योजना को बंद कर दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से शुरू करने के आदेश दिए। केजरीवाल कहते हैं कि जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो ये बीजेपी के साथ साथ तालियां बजाते हैं, पार्टी और खुशियां मनाते हैं, ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं, सांसद एलजी के पास जाकर काम रुकवा देते हैं। कल हमारी सरकार से बिजली सब्सिडी योजना पास करवाई है, उसके लिए लंबी चौड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम कहते हैं कि तुम भी बिजली मुफ्त करो, लेकिन ये लोग खुद नहीं करते। हर चीज़ क्या मुफ्त में चाहिए, या मुफ्त मुफ्त करते करते आप सोचते हैं कि आपको वोट भी मुफ्त में मिल जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि हम मुफ्त मुफ्त कर रहे हैं, योजनाओं की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं से आम व्यक्ति का लाभ तो हो रहा है, लेकिन
एक लॉन्ग टर्म पर देश का क्या नुकसान हो रहा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं वोटों के लालच में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि गारंटियां तो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, देखिए प्रलोभन तो दोनों तरफ से दिया जा रहा है ना, चाहे वो एनडीए की बात हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो। अब ये जनता पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया गठबंधन को चुनती है या इंडी गठबंधन को चुनती है या फिर एनडीए गठबंधन को चुनती है। बहुत महत्वपूर्ण है सोच समझ कर, क्योंकि सिर्फ आज अगर आप वोट देंगे तो आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है, तो भविष्य को सोचे तब आज वोट दीजिए, क्योंकि समय कम है, सोचना समझना अभी है आपको। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी गारंटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, आपको किसकी सरकार चाहिए, और इन 10 सालों में क्या आपको लगता है कि हमें और मौका देना चाहिए एनडीए को, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।